नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिद्वार में। आज हमारा पहला दिन है हरिद्वार में और ये जगह काफी पीसफुल है। ऋषिकेश की तरह हरिद्वार भी काफी फेमस है और यहाँ पर गंगा माता की आरती भी होती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हरिद्वार को आप बाय ट्रेन और बस से भी आ सकते हैं और कहीं दूर लोकेशन पर रहते हैं तो नियर बाय देहरादून एयरपोर्ट से आ सकते हैं, जहां से हरिद्वार की दूरी 40 किलोमीटर है। ऋषिकेश से हरिद्वार को डेली बसेस भी चलती है। उसी बस में 50 रुपए की टिकट लेकर हम पहुंचे हरिद्वार में। हरिद्वार में आपको काफी सारे होटल के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। हम रुके थे शिव मूर्ति चौक के पास। ये होटल हमको पड़ा था 600 पर डे के हिसाब से। सुबह उठ के पहले हम चले ब्रेकफास्ट करने। मेन रोड के पास हमें रेस्टोरेंट दिखा, इसका खाना बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर घूमने के लिए आप स्कूटी बाइक रेंट भी कर सकते हैं और ऑटो भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो बुक करेंगे तो 600-700 रुपए में आप सारे प्लेसेस घूम सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं श्री यंत्र मंदिर। यहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ भी है और ये है शनि देव शनि शिला के रूप में, और ये है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और ये है नवग्रह मंदिर। भगवान के दर्शन करने के बाद हम देखे रुद्राक्ष के पेड़। माना जाता है कि भगवान शिव जी के आंसू पृथ्वी पर जहाँ गिरे थे वहीं से रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए थे, इसलिए उनका वारवा रुद्रा अवतार माना गया है। एक मुखी से लेके 14 मुखी का जो फल है वो पेड़ से निकलता है, लेकिन जिस तरह सभी देवों में श्रेष्ठ भगवान महादेव हैं, सभी में श्रेष्ठ माना जाता है एक मुखी, इसलिए एक मुखी को साक्षात शिव कहा गया। कहते हैं इस कलयुग में उनके दर्शन कर लेने मात्र से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन एक मुखी के दर्शन हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि 12 साल में एक बार पैदा होते हैं। जितने भी पेड़ हिमालय में है गवर्नमेंट द्वारा अंडरटेकिंग है, मार्केट और दुकानों पर एक मुखी नहीं मिलते। जब कोई विशेष पर्व होता है तब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के आश्रम से पूजा और मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण होने के पश्चात 12 साल में कुछ दिनों के लिए आते। ठीक 12 साल बाद उनके दर्शनों का समय रखा गया है होली पर्व के उपलक्ष्य में, और इस समय आप जितने भक्तों आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक मुखी के दर्शन करा रहे हैं, फ्री में जानकारी दे रहे हैं कि एक मुखी के आपके जीवन में क्या क्या लाभ है, और जिन भक्तों के मन में एक मुखी लेने की इच्छा हो तो आप अपने साथ ले जा भी सकते हैं। क्योंकि भाग्य से जिस घर और परिवार में एक मुखी की पूजा आप लोग करते हैं वह सदा महादेव जी का आशीर्वाद विराजमान रहता है, इसलिए हर घर में सुख शांति के लिए स्वास्थ्य के लिए जो लोग बिजनेस व्यापार कोई भी काम करते हो हर काम में सक्सेस के लिए और हर घर में मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए एक मुखी से बढ़कर दुनिया में कोई रुद्राक्ष नहीं माना जाता। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये रुद्राक्ष का पेड़ है, और इसमें जो ग्रीन देख रहे हैं और गुजराती में आप नीला बोलते हैं, जो फल देख रहे हैं ये भी कच्चे हैं। भगवान विष्णु जी भगवान महादेव जी, तो हाथ जोड़ो बोलो ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। आइएगा श्री यंत्र मंदिर के पास पड़ती है रामेश्वर मंदिर। इस मंदिर में देवी देवताओं के साथ एक पत्थर भी है जो पानी में तैर रही है। उसके बाद हम गए दक्ष प्रजापति मंदिर, इसको दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। दक्ष महादेव मंदिर का नाम रखा गया था सती माता के पिता महाराज दक्ष प्रजापति के नाम से। इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। यहाँ पर आपको शिव भगवान और माता सती के दर्शन करने को मिलेंगे। दक्ष महादेव मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ सावन के समय होती है। उसके बाद हम गए हरिहर मंदिर। यहाँ पर भी एक बड़ा सा रुद्राक्ष के पेड़ है और काफी सारे शिवलिंग भी। देखो इस पेड़ पर रुद्राक्ष भी हुई है ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पर शिव भगवान का एक मंदिर भी है जिसको महामृत्युंजय मंदिर भी कहते हैं। और ये है जगत गुरु आश्रम, इसमें राधा माधव के साथ लक्ष्मी नारायण भी विराजमान है। यहाँ पर भी काफी श्रद्धालु आते हैं।
और ये है मानव कल्याण आश्रम। ये भी एक सुंदर पीसफुल आश्रम है और आश्रम के बाहर आपको ऐसे रुद्राक्ष के शॉप देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष मिलेंगे। उसके बाद हम गए माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर में देवी माया की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती को लेकर जा रहे थे तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उनमें से उनके हार्ट यहाँ पर आकर गिरा था। ये है पावन धाम। पावन धाम फेमस है इसके ग्लास आर्किटेक्चर के लिए। पावन धाम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुंदरता। यहाँ पर मंदिर के सारे इंटीरियर और सारे मूर्तियाँ बनी हुई हैं कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से। उसके बाद हम गए आचार्य विला इंडियन टेम्पल। यहाँ पर आपको पुराण से जुड़े काफी सारे चित्र देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम गए श्री राम मंदिर। यहाँ पर भगवान राम, लखन और सीता माता के साथ और भी देवी देवताएं विराजमान हैं। ये है चित्रकूट आश्रम। आश्रम के बाहर भगवान शिव जी के साथ हनुमान जी विराजमान हैं। ये भी काफी बड़ा आश्रम है और यहाँ पर भी काफी श्रद्धालु आते हैं। अभी आके हम पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी मंदिर में। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके अंदर और बाहर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो हम बाहर से ही वीडियो किए। उसके बाद हम पहुंचे भारत माता टेम्पल में। इस मंदिर 1983 में बनाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इस मंदिर डेडिकेटेड है हमारी मातृभूमि भारत माता को। भारत माता के मंदिर 7th फ्लोर का है। यहाँ पर आप 5 रुपये की लिफ्ट की टिकट लेकर ऊपर जा सकते हो। यहाँ पर भारत माता के साथ साथ हर फ्लोर में अलग देवी देवताएं और हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मूर्ति बनी हुई है। उसके बाद हम गए मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार की बहुत ही फेमस मंदिर है। मनसा देवी के दर्शन करने पूरे साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मंदिर जाने के लिए आप रोपवे की टिकट ले सकते हैं और पैदल 1-2 घंटे चढ़ाई करके भी जा सकते हैं। ये रही सारी टिकट प्राइस। यहीं से आप चंडी देवी की टेंपल भी जा सकते हैं कम्बाइंड टिकट लेकर। हम जब गए थे टिकट काउंटर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम थोड़ी देर वेट किए, फिर शाम होने लगी तो हम चले हर की पौड़ी की ओर गंगा आरती देखने। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मकुंड है जहाँ पे माना जाता है कि अमृत गिरा था, इसलिए यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है जो कि 12 साल में एक बार होता है। यहाँ पे रोज गंगा आरती होती है दिन में 2 बार, जिसे देखने को काफी लोग यहाँ आते हैं। आरती खत्म होने के बाद यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है। सबसे लास्ट यहाँ की लोकल मार्केट घूमना ना भूले। यहाँ पर बहुत वैरायटी के बहुत सारे स्टॉप है, आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ।
इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।